नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 6 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस मामले में देश में टॉप पर रहा बिहार। कांवड़ियों को नहीं होगी दिक्कत, सरकार ने खोला खजाना। झीलों के पास होगा टूरिस्ट स्पॉट, बिहार सरकार कर रही है ये तैयारी। देने जा रहे हैं बीएड परीक्षा, तो जान ले जरूरी दिशा निर्देश। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इतने एजेंडों पर लगी मुहर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस मामले में देश में टॉप पर रहा बिहार। कभी पिछड़े राज्यों में गिना जाने वाला बिहार आज के समय में स्टार्टअप के मामले में टॉप 4 राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसकी जानकारी खुद बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दी है। इसको लेकर हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने हाल ही में साल 2021 की रैंकिंग जारी की है। इकोसिस्टम को तीव्र गति से बेहतर बना रहे जिन 4 राज्यों के साथ बिहार का नाम शामिल है, उसमें आंध्र प्रदेश, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शामिल है। इसमें ही बिहार को श्रेणी ए में रखा गया है। हाल ही में बिहार को एमएसएमई सेक्टर में भी पूरे देश में दूसरा स्थान मिला था। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इतने एजेंडों पर लगी मुहर। बीते दिन बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ही कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार विधानसभा में संग्रहालय निर्माण का स्वीकृति दे दिया है। बिहार विधानमंडल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर विरासत की प्रदर्शनी की व्यवस्था करने और आमजन के बीच जागरूकता बढ़ाने को लेकर बिहार विधानसभा में संग्रहालय निर्माण कार्य की स्वीकृति दे दी गई है। 7 निश्चय 2 के तहत पटना शहर और निकटवर्ती क्षेत्र से जल निकासी के लिए योजना की स्वीकृति और कार्यकारी एजेंसी के रूप में बुडको को नामित करने की स्वीकृति दे दी गई। इसके साथ ही नगर विकास विभाग के 9 प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस राशि से पटना नगर निगम के अलावा आसपास के नगरीय क्षेत्रों में जल निकासी की जाएगी। कांवड़ियों को नहीं होगी दिक्कत, सरकार ने खोला खजाना। श्रावणी मेले के लिए बिहार सरकार ने खजाना खोल दिया है। आगामी 15 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले को देखते हुए बिहार सरकार जल्द ही तैयारियां अपनी तेज कर रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के इसको लेकर के सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसके तहत ये साफ किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में विशेष इंतजाम करें। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को कांवड़ियों के रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था करने की बात कही गई है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। आपको बता दें कि 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आने के बाद लगातार 2 साल सावन के महीने में पूरे बिहार के शिव मंदिर बंद रहे थे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्रद्धा शर्मा की। श्रद्धा शर्मा उद्यमियों के लिए मीडिया प्रौद्योगिकी मंच योर स्टोरी की संस्थापक, सीईओ और मुख्य संपादक है। 2008 में योर स्टोरी शुरू करने से पहले शर्मा ने सीएनबीसी टीवी 18 में सहायक उपाध्यक्ष और द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ब्रांड सलाहकार के रूप में काम किया। लक्ष्मी के साथ चाय पर उन्हें भारत के डिजिटल स्पेस की सबसे बड़ी कहानीकार कहा गया है। उन्होंने एक तकनीकी कहानी में भारत में 5 महिला भारतीय उद्यमियों में से एक के रूप में चित्रित किया, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। द हिंदू ने इनके बारे में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिखा जिसने कांच की छत को चकनाचूर कर दिया। उनकी कंपनी को स्टार्टअप और उद्यमियों से संबंधित कहानियों, समाचारों, संसाधनों और शोध रिपोर्टों के लिए भारत का सबसे बड़ा और निश्चित मंच के रूप में वर्णित किया गया है। बिहार के सभी राशन कार्ड धारियों को अब आयुष्मान भारत की तरफ से होगा इलाज। बिहार के अब जितने भी राशन कार्ड धारी है उनका इलाज आयुष्मान भारत की तर्ज पर होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप अब बिहार की 9 करोड़ आबादी हर साल प्रति परिवार 5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराने के लिए कवर्ड होने वाली है। इसको लेकर एससीसी डेटा से शेष बचे हुए 70 लाख और परिवारों को ऐसी योजना का लाभ मिलने वाला है। इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बिहार में 1.9 करोड़ परिवार इस योजना के तहत बतौर लाभार्थी भारत सरकार से सूचीबद्ध है, लेकिन बिहार के अंदर ही अब सभी राशन कार्डधारी इस योजना से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। लगभग 1.8 करोड़ परिवार है जो राशन कार्डधारी है। बाकी बचे लगभग 70 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख प्रति परिवार हर दिन देने की योजना को बिहार कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। झीलों के पास होगा टूरिस्ट स्पॉट, बिहार सरकार कर रही है ये तैयारी। झीलों के पास इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही बिहार सरकार, इसके लिए हर क्षेत्र में नई नई पहल करने जा रही है। इस बीच पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने कहा है कि बिहार में कई झील है जहां इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें राजगीर, बोधगया, वैशाली, केसरिया, नंदनगढ़, बांका का ओढ़नी झील के अलावा बांका का मंदार पर्वत, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, बेतिया राज का किला सहित कई पर्यटकीय स्थल शामिल है। इन स्थलों पर पर्यटक मनोरम दृश्य का आनंद उठा सकते हैं। उक्त बातें पर्यटन मंत्री ने बीते दिन पर्यटकीय विकास को लेकर आयोजित एक कार्यक्रम में कही है।
सरकार की सख्ती के बावजूद भी नहीं संभल रहे हैं शराब माफिया। बिहार में कहने को कई सालों से शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इस शराबबंदी कानून का असर बिहार के शराब माफियाओं पर देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले 8 महीने के ही आंकड़ों को उठाकर देखें तो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारियों में 7 गुना ज्यादा की वृद्धि देखने को मिल रही है। नवम्बर महीने में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीक्षा के समय मद्य निषेध और उत्पाद विभाग अब हर दिन औसत 24 लोगों को गिरफ्तार करता था, जो इस साल जून में बढ़कर 162 तक पहुंच गई है। मद्य निषेध विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए पटना में 5 अनुमंडल में बांटकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके बाद ही अब 5 टीम प्रखंडवार कार्रवाई कर रही है। देने जा रहे हैं बीएड परीक्षा तो जान ले जरूरी दिशा निर्देश। आज होने वाली बीएड परीक्षा को लेकर जारी जरूरी दिशा निर्देश, अगर आप भी बीएड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए जाननी बेहद जरूरी है। परीक्षा का हिस्सा बनने से पहले जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसे आप जरूर सुन लें। आज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक विभिन्न केंद्रों पर संचालित होने वाली परीक्षा को लेकर दंडाधिकारियों और अन्य संबंधित पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। इस दौरान ही केंद्राधीक्षकों और दंडाधिकारियों से कहा गया है कि सुबह 10:50 के बाद किसी भी परीक्षार्थी का प्रवेश परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति को केंद्र के अंदर मोबाइल रखने की इजाजत नहीं होगी। कहा कि परीक्षा को स्वच्छ शांतिपूर्ण सुचारू संचालन के लिए सभी केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी और पुलिस बल सहित सशस्त्र पुलिस बल प्रतिनियुक्ति कर दी जाए। आपको बता दें कि इस साल बीएड परीक्षा के लिए 1,91,929 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 97,718 है, वहीं पुरुषों की संख्या 94,211 है। पटना आईआईटी का कारनामा कम खर्चे में निकलेगा ज्यादा ग्राफीन। किसी भी शोध का लाभ तभी है जब उससे अधिकतम उपयोग की संभावना बनी हो, ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है पटना स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस संस्थान के प्लाज्मा स्प्रे कोटिंग लैब में ग्रेफाइट से ग्राफीन निकालने की नई तकनीक विकसित हुई है। इस तकनीक से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में और कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफीन का उत्पादन संभव होने वाला है। इसका असर यह होगा कि अभी बहुत हद तक आयात पर निर्भर भारत अपनी आवश्यकता के अनुपात में ग्राफीन का उत्पादन कर सकेगा। वर्तमान समय की बात करें तो भारत में केरल और झारखंड के जमशेदपुर में अभी ग्राफीन का उत्पादन हो रहा है। केजीएफ के भोजपुरी वर्जन ने तोड़ा सभी रिकॉर्ड। केजीएफ ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया था, जिसके बाद ही हाल ही में केजीएफ के भोजपुरी वर्जन को भी रिलीज किया गया था और जिस बात की उम्मीद थी वो सच भी हुआ और देश की सबसे सफल फ्रेंचाइजी फिल्म केजीएफ ने अब अपने नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है। साल 2018 में रिलीज हुई केजीएफ फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म को भोजपुरी भाषा में यूट्यूब पर 616 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। आलम कुछ यूं है कि केजीएफ के भोजपुरी डब को यूट्यूब पर 616 मिलियन यानी कि 61.60 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिले हैं। इसके बाद से दावा किया गया है कि भर में किसी भी फिल्म को YouTube पर मिले व्यूज में ये सबसे ज्यादा है। वीवो स्मार्टफोन को लेकर बिहार सहित 40 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी वीवो पर और उससे जुड़ी फर्मों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, जिसके तहत ही अब ईडी ने कंपनी के बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के राज्यों में स्थित 44 ठिकानों पर छापेमारी की है। एजेंसी की तरफ से यह कार्रवाई वीवो और उससे संबंधित कंपनियों और सहायक कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करने के बाद की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में भी आयकर विभाग ने वीवो और अन्य चीनी मोबाइल फोन निर्माताओं के परिसरों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग ने इसको लेकर ही आरोप लगाया था कि कंपनियों की तरफ से रॉयल्टी के नाम पर पैसों की हेराफेरी की जा रही है। उसके बाद से ही वीवो और उससे जुड़ी कंपनियां ईडी के निशाने पर आ गई है। नेपाल के घड़ियाल बढ़ाएंगे गंडक नदी की शोभा। गंडक नदी की शोभा अब आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाली है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तहत नेपाल में विकसित हो रहे घड़ियाल गंडक नदी की शोभा बढ़ाने वाले हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के तहत नेपाल में विकसित हो रहे घड़ियाल गंडक नदी की शोभा बढ़ाने के लिए पर्यटकों को लुभाने और घड़ियालों की संख्या को बढ़ाने के लिए नेपाल का चितवन राष्ट्रीय निकुंज करीब 500 घड़ियालों का प्रजनन करा रहा है। इन घड़ियालों को नारायणी, गंडक, कोसी और राप्ती नदी में छोड़ा जाएगा। ऐसा होने से गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या 500 से अधिक हो जाएगी। राष्ट्रीय चितवन निकुंज नेपाल स्थित घड़ियाल प्रजनन केंद्र में इस साल अप्रैल में अब तक 563 घड़ियाल के अंडे नदी किनारे से लाकर रखे गए थे। बिहार के कई जिलों में बाढ़ तो कई जिलों में सामान्य से भी कम हुई बारिश। बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। कई क्षेत्रों में तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वहीं कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश हुई है, जिससे धान की खेती पर असर पड़ने की संभावना जताई गई है। कृषि विभाग की माने तो पिछले सप्ताह राज्य में बारिश हुई है, लेकिन इतनी अच्छी भी बारिश नहीं हुई खेतों को धान की रोपनी के लायक तैयार किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मौसम विभाग की माने तो राज्य में अब तक 500 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी आधे से भी कम बारिश दर्ज की गई। बारिश नहीं होने के कारण धान रोपाई भी सही ढंग से शुरू नहीं हो पाई है। इस दिन से चलेगा फाइलेरिया सामूहिक दवा सेवन अभियान।
फाइलेरिया उन्मूलन हेतु 7 जुलाई से राज्य के 6 जिलों में सामूहिक दवा सेवन अभियान 5 जिले नवादा, समस्तीपुर, रोहतास, लखीसराय और नालंदा में चलाई जाएगी, जिसके तहत ही लोगों को 2 दवा डीईसी और एल्बेंडाजोल खिलाई जाएगी, जबकि दरभंगा जिले में लोगों को 3 दवाएं डीईसी, एल्बेंडाजोल और आइवोमेटिन दवा खिलाई जाएगी। इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सारी जानकारी साझा कर दी है। साथ ही इस दौरान बताया है कि अभियान के दौरान इन 6 जिलों में 2,22,85,279 लोगों को फाइलेरिया की दवा खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको लेकर 6 जुलाई को अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ पटना से किया जा रहा है। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए राज्य प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा है। राज्य के दिसंबर 2021 तक हाथीपाव के 73,519 मरीज थे और हाइड्रोसिल के 17,084 मरीज थे। नीति आयोग की रिपोर्ट में ये जिला अव्वल। नीति आयोग की तरफ से बीते दिन ही मई 2022 में घोषित किए गए डेल्टा रैंकिंग में बिहार के जिलों की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके तहत ही डेल्टा रैंकिंग के अनुसार गया जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जारी आंकड़ों के अनुसार गया ने देश भर के 112 आकांक्षी जिलों में पहला स्थान हासिल किया है। गया जिला ने स्वास्थ्य और पोषण में 52.2 अंक, शिक्षा में 52.7 अंक, कृषि एवं जल संसाधन में 39.4 अंक, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास में 29.6 अंक और बुनियादी ढांचे में 64.4 अंक प्राप्त किए हैं। बिहार झारखंड के बीच इस सड़क पर अब दौड़ेंगी गाड़ियां। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ की एक सड़क के चौड़ीकरण की समस्या अब खत्म होने वाली है। बिहार के मनिहारी से झारखंड के साहिबगंज को जोड़ने वाली इस अहम सड़क के चौड़ीकरण का काम जमीन की कमी के कारण निर्माण रुका हुआ था, लेकिन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एनएच संख्या 133B को 5 हेक्टेयर जमीन का आवंटन कर दिया है, जिसके बाद ही अब राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पिछले महीने ही मंजूरी दी थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सड़क चौड़ीकरण के बाद इस पर वाहन फर्राटा भरने वाले हैं, तो इससे सफर का समय भी कम हो जाएगा। विद्युत जामवाल पहुंचे पटना। मंगलवार को विद्युत जामवाल 8 जुलाई को प्रदर्शित होने वाली फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के प्रमोशन के लिए बीते दिन पटना पहुंचे थे। विद्युत के साथ इस फिल्म के निर्देशक और लेखक फारूक कबीर भी आए थे। होटल द पनाश पटना में उन्होंने मीडिया से चर्चा भी की और अपने फैंस के साथ फोटोशूट भी कराया। इस दौरान ही उन्होंने कहा कि दक्षिण भारतीय फिल्में हो, हिंदी फिल्में हो या फिर कोई और भारतीय भाषा की फिल्में, क्या फर्क पड़ता है, सभी फिल्में हैं तो भारतीय ही। मेरे पिता आर्मी में थे और वहां मराठी, बंगाली, बिहारी, पंजाबी, गुजराती नहीं केवल भारतीय शब्द ही सुना और समझा जाता था, इसलिए मेरी नजर में कोई अंतर नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले समय में बिहार में फिल्म बनाने वालों को भी नौकरी मिलने की बात कही है। नगर विकास भवन के टेंडर को किया गया रद्द। पटना हाईकोर्ट ने पटना नगर निगम के एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी के बिना सहमति एएन कॉलेज पटना के पीछे नगर विकास भवन के टेंडर को रद्द कर दिया है। इसको लेकर बीते दिन पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ही जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह की खंडपीठ ने राज्य के नगर विकास और आवास विभाग को नगर आयुक्त द्वारा नगर विकास भवन निर्माण हेतु अनुमति के लिए दिए पत्र को निरस्त कर दिया। पटना नगर निगम के एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी के बिना सहमति के नगर आयुक्त ने नगर विकास भवन के निर्माण स्थानीय एएन कॉलेज के पीछे 1.5 एकड़ भूमि पर करने के लिए पत्र जारी किया है। अपने पिता की जयंती पर फूट फूट कर रोए चिराग। बीते दिन अपने पिता की जयंती मनाने वैशाली पहुंचे चिराग काफी भावुक नजर आए, जब पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रतिमा का अनावरण हुआ। इस दौरान ही लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान काफी रोते हुए दिखाई दिए। इसके साथ ही रामविलास के चाहने वाले भी बिलखते दिखाई पड़े। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 4 दशक तक रामविलास पासवान हाजीपुर के सांसद रहे, केंद्र सरकार में कई बार मंत्री भी रहे, उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा भी गया। रामविलास पासवान को हाजीपुर की जनता दिलो जान से चाहती थी। जानकारी के अनुसार राज्य के सभी जिलों में रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाई जाएगी। सादगी से मनाया गया राजद का स्थापना दिवस। मंगलवार का दिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का 26वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। हालांकि अभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चोटिल चल रहे हैं, ऐसे में इस बार स्थापना दिवस बेहद ही सादगी से मनाया गया। जहां स्थापना दिवस के मौके पर राजद कार्यालय में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार स्थापना दिवस के मौके पर राजद कार्यालय में सन्नाटा छाया रहा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद कार्यालय में झंडोत्तोलन कर स्थापना दिवस मनाया और इस मौके पर राजद नेता कांति सिंह, श्याम रजक, आलोक मेहता और उदय नारायण चौधरी भी मौजूद रहे। जगदानंद सिंह ने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार है, पहले से ही उनकी इच्छा थी कि ये स्थापना दिवस सामान्य तरीके से मनाया जाए, इसमें कोई जलसा नहीं हो। राष्ट्रपति चुनाव पर बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार।
आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं अपना समर्थन हासिल करने के लिए बीते दिन राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भी बिहार पहुंची थी, जहां पर उन्होंने सीएम नीतीश समेत अन्य गणमान्य नेताओं से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम लोगों को पूरा भरोसा है भारी बहुमत से जीतेंगे। दरअसल राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पटना आई हुई है। इस दौरान वो सीएम नीतीश कुमार से अपने लिए समर्थन मांगने पहुंची थी। पटना में दोनों की मुलाकात हुई, इसके बाद नीतीश ने उनके जीत का भरोसा जताया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। महात्मा गांधी को 1944 में पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। भारत चीन युद्ध की वजह से बंद पड़ा नाथुला पास फिर से 1962 में खोल दिया गया। विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने 2006 में पुर्तगाल को हराया। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2012 के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 2012 से 2014 की अवधि में चीन सबसे आकर्षक निवेश स्थल रहा। उसके बाद अमेरिका भारत का स्थान रहा। बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म 1935 में हुआ था। भारत सरकार में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री रहे। अनिल माधव दवे का जन्म 1956 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का निधन 2002 में हुआ था। नौतन भट्ट का निधन 2005 में हुआ। वो भारतीय वैज्ञानिक थे। आज के दिन को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इंग्लैंड से मिली करारी हार के बाद डब्ल्यूटीसी टेबल में कहां खड़ी है टीम इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम की इंग्लैंड के खिलाफ पुनर्निर्धारित पांचवे टेस्ट में पांचवे दिन करारी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लिश बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो और जो रूट ने नाबाद शतकीय पारी खेलकर इंग्लैंड को 7 विकेट से शानदार जीत दिला दी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-22 सत्र की बात करें तो इसमें भी भारतीय टीम अपने विन परसेंटेज को नहीं बढ़ा सकी। भारत ने इस साइकिल में 4 मैच गंवाए हैं, 6 जीते और 2 ड्रॉ रहा। 53.47 के जीत प्रतिशत के साथ भारत नंबर 3 पर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 और दक्षिण अफ्रीका की टीम नंबर 2 पर है। लगातार 4 मैच जीतकर शानदार फॉर्म में चल रही इंग्लैंड की टीम 7वें नंबर पर पहुंच गई है। 5 जीत 7 हार और 4 ड्रॉ के साथ इंग्लैंड का जीत प्रतिशत 33.33 का है। बिहार में डरा रहे हैं कोविड-19 के मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 338 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1269 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 2, अरवल में 1, औरंगाबाद में 3, बांका में 16, बेगूसराय में 7, भागलपुर में 30, दरभंगा में 11, ईस्ट चंपारण में 1, गया में 7, गोपालगंज में 1, जहानाबाद में 6, कटिहार में 2, खगड़िया में 9, किशनगंज में 3, मधुबनी में 5, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 12, नालंदा में 4, पटना में 182, पूर्णिया में 6, सहरसा में 4, सारण में 4, सीतामढ़ी में 2, सुपौल में 8, वैशाली में 4, वेस्ट चंपारण में 2 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 3 ऐसे मरीजों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,22,402 सैंपल की जाँच की गई। वहीं इस दौरान 238 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। अब व्हाट्सएप पर छिप जाएगा ऑनलाइन इंडिकेटर। व्हाट्सएप ने पिछले कुछ वर्षों में कई प्राइवेसी ओरिएंटेड फीचर्स पेश किए हैं। अपनी रीड रिसिपिएंट और ब्लू टिक को डिसेबल करने की क्षमता को लेकर अपने प्रोफाइल फोटो को कुछ या सभी कॉन्टैक्ट से छिपाने तक कई यूनिक फीचर्स ऐप में आ चुके हैं। हालांकि व्हाट्सएप का एक पहलू लंबे समय से नहीं बदला है और वो है ऑनलाइन इंडिकेटर, जो हर बार जब आप ऐप खोलते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं तो दूसरों के डिवाइसेस पर आपके नाम नंबर के तहत दिखाई देता है। WA बीटा इन्फो, जो व्हाट्सएप के नए फीचर्स को ट्रैक करता है, उसके अनुसार एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जो व्हाट्सएप यूजर को कंट्रोल देगा कि कौन उनका ऑनलाइन स्टेटस देख सकता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है ललन कुमार, रामबाबू कुमार, मिंटू शर्मा, विजय घायल, महेश कुमार, ओमकार सिंह, मोहम्मद चांद, संतोष साथी, आमोद कुमार, अंजलि राज। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार का अहम कारण क्या था। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।